वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। जंगली जानवरों का टकराव मानवता के विकास से होता रहा है, ऐसे विकास जिसने मानव हितों को बराबर फायदा पहुंचाया, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत ऐसी चीज की थी जिससे जानवरों की सुरक्षा तो हो ही, इसके साथ ही विकास में रुकावट पैदा ना हो। हम बात कर रहे हैं जंगल के बीच से निकलने वाले ऐसे रास्तों के बारे में जिससे जानवरों की सुरक्षा नहीं हो पा रही थी, उन तक मानवीय डिस्टर्बेंस पहुंच रहा था। ये केवल एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण था। जंगल के बीच से गुजरने वाली सड़कों पर जानवरों का आना आम बात थी। कई बार ऐसी घटनाएं भी घट गईं जहां जानवरों ने इंसानों को नुकसान पहुंचाया। इसके लिए एक विकल्प की जरूरत तो महसूस हो ही रही। आखिरकार देश के काबिल और होनहार सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शानदार 16 किलोमीटर के एलिवेटेड पुल का उद्घाटन कर देश ही नहीं दुनिया को यह तोहफा दे दिया है। आपको बता दें, इस पुल की खासियत यह है कि इसमें चलने वाले वाहनों की आवाज और लाइटें जानवरों तक नहीं पहुंच सकेंगी, जिससे जानवरों की सुरक्षा के साथ साथ उनके निजी जंगली जीवन से मानव की छेड़छाड़ नहीं होगी। सिवनी से नागपुर जाने वाले इस एलिवेटेड पुल के बन जाने से जानवरों की निजी सुरक्षा और जीवन से मानवीय विकास के टकराव का जो सवाल हमेशा से चर्चा का मुख्य मुद्दा रहा, उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। लोग मानते रहे हैं कि जहां भी जंगल के बीच से सड़कें निकली हुई हैं, वहां जानवरों का सड़कों पर आना आम बात थी, लेकिन गाड़ियों के गुजरने और उनकी आवाजों से जंगली जानवर डर जाते हैं। कभी कभार इस डर से वो लोगों और उनकी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन अब इस समस्या का समाधान सिवनी नागपुर नेशनल हाईवे के बन जाने से होता दिख रहा है। सरकार की कोशिशों से उन तमाम रास्ते जो जंगलों से होकर निकलते हैं, उन पर सिवनी नागपुर हाईवे जैसे एलिवेटेड पुल बनाए जा सकते हैं। न्यूज डेस्क, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।